थी ये लड़कियाँ और कौन था वो जिसने ये जघन्य अपराध किया उनके साथ? शायद इनका व्यवहार नहीं बदलेगा जब तक हमारी रूढ़िवादी विचारधाराएं नहीं बदलेंगी, जब तक हमारा औरतों को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा। लेकिन हम इन लड़कियों की तथाकथित सो कॉल्ड गलतियों से कुछ सीख सकते हैं और इन गलतियों का हम उस लंबी सी लिस्ट में डाल सकते हैं जो हमारे पुरुष प्रधान समाज ने सिर्फ औरतों के लिए बनाई है, उन्हें दायरे में रखने के लिए। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। हमारी आज की कहानी नागपुर महाराष्ट्र की है, एक ऐसा अपराध जिसने पूरे नागपुर को हिलाकर रख दिया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निधि कामत हैं और निधि कामत नागपुर के जाने माने बिजनेसमैन प्रेम कामत की बेटी हैं। और निधि कामत के पास जिस लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है उसका नाम वरुण शिंदे है और वही वरुण शिंदे है ये जिसने पिछले साल मिनिस्टर श्रवण देशमुख के साथ एक फैंसी और बड़े रेस्टोरेंट को खोलने में पार्टनरशिप की थी। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि ये कार देशमुख के घर की दीवार के पास खड़ी मिली है। आप देख सकते हैं ये वो दीवार है उनके घर, और पीछे पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। श्याम जरा कैमरा पैन करो, चलो पीछे चलो। बोलो देखो ड्रेस लग रही, बोलो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तुम लोग। चलो 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 निकल, गाड़ी और एम्बुलेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, साथ में ये गाड़ी भी यहाँ से जा रही है फॉरेंसिक जांच के लिए, और साथ हमारे पीछे ये पुलिस की गाड़ी भी यहाँ से निकल रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि निधि के फैमिली के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो लोग काफ़ी सदमे में हैं और ये फैमिली पूरी तरह से आहत है। हम अभी इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। ताराबाई नगर पुलिस स्टेशन। हे बगाब, इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया है कि निधि कामत जिसकी उम्र 24 साल और वरुण शिंदे जिसकी उम्र 27 साल थी, उन दोनों ने कार के अंदर सुसाइड कमिट किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि दोनों ने भारी मात्रा में नींद की दवाइयां खा ली, उसके बाद दोनों ने मृतक वरुण शिंदे की गाड़ी में अपने आप को लॉक कर लिया और वहां दोनों की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। दोगानी आत्महत्या के लिए। पुलिस ने मान कैसे लिया कि सुसाइड केस था और वो इतने जल्दी इस नतीजे पे कैसे पहुंचे? क्या पुलिस पे कोई दबाव था या उन्हें सच में ये यकीन था कि ये सुसाइड था? कहते हैं ना कि ज्यादती ज्यादा देर तक नहीं चलती, कोई ना कोई गुनाह के खिलाफ आवाज जरूर उठाता है और यहाँ भी कुछ वैसे ही हुआ। हे सर, खोटा है। श्याम का कैमरा टर्न करो, कैमरा टर्न। इस केस को दबाया जा रहा है। मेरी ताई निधि और उनके मंगेतर वरुण शिंदे का मर्डर हुआ है और उनका मर्डर मिनिस्टर श्रवण देशमुख ने किया है। आप मिनिस्टर देशमुख के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? वरुण और श्रवण देशमुख के बीच अभी कुछ ही दिन पहले रेस्टोरेंट को लेके बहुत बहस हुई थी और उसकी नजर तो शुरू से ताई पे थी, जब से ताई मिस नागपुर बनी। हटाओ हटाओ इसे, हटाओ सबको। और आप लोगों ने तो सब देखा है कैसे मेरी ताई का सलवार, मेरी ताई का रेप हुआ है। साइड में आ जाइए मैम। तुम लोग मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हो। साइड मैं आपकी ताई को इंसाफ दिला के रहूंगी। उसका कहना ये है कि आपकी बहन और मर्डर श्रवण देशमुख ने किया है। चलो निकलो, अच्छे चलो बंद करो। मैडम चलो बंद करो, चलो बंद करो, बंद करो। अरे चलो मैं ताई को इंसाफ दिला के रहूंगी। हेलो, हम भी यही चाहते हैं कि निधि को जस्टिस मिले। अब बताओ उसमें हम क्या कर सकते हैं भला? अगर कोई श्रवण देशमुख को टक्कर दे सकता है ना दादा, तो वो सिर्फ आप है। आपके पास उससे ज्यादा पार है, लोग आपकी सुनते हैं। सही बात है प्रीति,
जबकि तुम हमारी पार्टी के यूथ विंग का हिस्सा हो और तुम्हें पता है कि इस तरह के मामले कितने डेलिकेट होते हैं। हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब है पॉलिटिकली इशू बन जाना। वैसे भी कार और डेड बॉडीज श्रवण देशमुख के घर के बाहर मिली हैं, सीधा सीधा केस बनता है। हमें इस तरह केस में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस अपने आप देख लेगी। वही तो प्रॉब्लम है दादा, पुलिस कुछ कर ही तो नहीं रही है। आज केस भी क्लोज कर दिया उन्होंने। पहले तो तुम रो मत, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो तुम खुद करो। मैं? हाँ तुम, केस को रीओपन करवाओ, जरूरत पड़े तो पार्टी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। पर कैसे दादा? प्रीति तुम युवा हो, इस देश की युवा, और युवाओं ने इतिहास बदल दिया है। अगर कमी है तो सिर्फ दृढ़ संकल्प की, तो उस युवा शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ जाओ। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जस्टिस मिलेगा, और फिर करण है ना तुम्हारे साथ। मूर्खा इसका तो, मुझे पूछा क्यों नहीं? मीका चुप के लिए, ताई का खून हुआ है और मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक उस कमीने देशमुख को सजा नहीं मिल जाती। प्रीति, प्रीति ठीक ही कह रही है। चुकी से बोलती थी। अहो, निधि जा चुके, हम लोग जिंदा है और हमें जिंदा रहना है। मैं कह देता हूँ, रिक्वेस्ट वापिस ले ले। मैं रिक्वेस्ट वापस नहीं लूंगी। प्रीति, प्रीति, प्रीति बेटा खाना खा। तू भी। और मिस नागपुर डेथ केस मामले में एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सरकार ने निधि की बहन के द्वारा की गई याचिका कि एसआईटी इस केस को रीओपन करे को मंजूरी दे दी गई है। और इतना ही नहीं, हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि एसआईटी की टीम यहां पे पहुंच चुकी है और उनकी गाड़ी यहां पे आ चुकी है। आपको दिखाते हैं, एसआईटी के ऑफिसर यहां पे पहुंच चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस मामले के बारे में? अरे, हमसे ज्यादा तो जानकारी आप लोगों को। कोई नई खबर हमारे पास आ जाएंगी तो हम बता देंगे, आप पब्लिक को बता दीजिए। एक्सक्यूज मी जी। गुड लक सर, गुड लक सर। मिस नागपुर केस की इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मिस नागपुर? हाँ, निधि कामत पिछले साल की मिस नागपुर की विजेता रही थी, तो इस केस का नाम भी उस पर से मिस नागपुर पड़ गया। नाम कुछ भी हो, विक्टिम को न्याय जरूर मिलना चाहिए। कोई भी केस की इन्वेस्टिगेशन में इतनी डिले कैसे हो सकती है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? कमाल है, क्राइम सीन के कार को तुम्हारा हवालदार खुद ड्राइव करके लेके आए, उससे एविडेंस को कितना नुकसान पहुंचा होगा आप तो जानते हो। सर, जिस तरह वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी ना, और सब लोग अपने आप को रिपोर्टर बनाना चाह रहे थे। सर, अगर गोखले कार ड्राइव करके नहीं लाता ना यहां पर, तो वहां जो पब्लिक थी ना, वो कार में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती। लेकिन इसकी वजह से क्राइम सीन के एविडेंस नष्ट हो गए, उसका क्या? अब ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट, कितना भरोसा रखेंगे इसके ऊपर? सर, हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है सर, लेकिन वो निधि कामत की बहन प्रीति ने मिनिस्टर श्रवण देशमुख पर इल्जाम लगाया सर। हमारी टीम पर बहुत प्रेशर था सर। नहीं, प्रेशर अभी भी बनाए रखो। हाँ, और विक्टिम के बैकग्राउंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उतनी सब कलेक्ट करो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में हमारे काम आएगी। हो सर, जा सकते हो। शिरके सर, विक्टिम की बहन प्रीति कामत को मिलते हैं, पता करते हैं ऐसा क्या जानती थी कि इतने कॉन्फिडेंटली कह रही है ये सुसाइड नहीं मर्डर है। ठीक है सर। ये कौन है? सर, ये करण कुलकर्णी, मेरे मंगेतर। तो निधि और वरुण के बारे में बताओ। मेरी ताई खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और प्योर हार्टेड थी। लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उनके पास प्रपोजल्स ही प्रपोजल्स आने लग गए। कोई अपना नाम नहीं लिखता था, बस गिफ्ट्स और लेटर्स सेंड करते रहते थे, पर उन्होंने कभी किसी पे ध्यान नहीं। फिर एक साल पहले जब वो मिस नागपुर बनी तो पहली बार वरुण शिंदे से मिली। और इस इवेंट के स्पॉन्सर क्लियर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऑनर को मैं यहाँ बुलाऊंगी। मिस्टर वरुण शिंदे जी यहाँ आए और मिस निधि कामत को ये क्राउन पहनाए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। It was amazing, right? Thank you. Bye, so much. Bye. 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 See you. Take care. Bye.
अरे आप गए नहीं अभी तक? मैं बस निकल ही रहा था तो मैंने सोचा कि तुमने आज जो मुझे क्राउन पहनाने की अपॉर्चुनिटी दी थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलूं। ताई को वरुण से प्यार हो गया था। वरुण में वो सब कुछ था जो ताई अपने एक लाइफ पार्टनर में चाहती थी। वो पढ़ा लिखा था, सोफिस्टिकेटेड था, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बहुत अच्छा इंसान था। हम भी उससे मिलने लग गए थे। ये इस तो तुम मिल ही चुके हो, वो है करण, प्रीतिस फियांसे। ओ हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। डू नॉट ड्रिंक? नहीं बस। अरे पियो यार। वेट अप, ड्रिंक। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर बाबा को ताई और जीजू के बारे में पता चल गया। अपनी जात बिगड़ी है, हमारी बराबरी नहीं हो सकती और मैं मर जाऊंगा लेकिन इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूंगा, कभी भी। तू समझाओ ना इला। अहो तदी ऐकून तरी घ्या। बाबा एकदा भेटू या ना, एक बार बात कर लीजिए प्लीज। देखो मैं आपसे ना कुछ नहीं मांगूंगी, अगर आप उससे एक बार मिल लोगे ना आपका नजरिया बदल जाएगा। बाबा प्लीज प्लीज आई साम ना। अहो मेरी फैमिली का एक ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस है और मैं एक रेस्टोरेंट खोलने की भी प्लानिंग कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने लोन भी लिया और मैं रेस्टोरेंट श्रवण देशमुख के साथ पार्टनरशिप में खोलने वाला। क्या वो फ्रॉड झूठा घटिया इंसान श्रवण देशमुख? नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है। देखिए भले ही वो पॉलिटिशियन हो लेकिन मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। एक मिनट, मेरी बेटी और श्रवण देशमुख का कोई लेना देना हो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, बाबा ने ताई को अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया पर ताई तो वरुण से ही प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी पर बाबा उनके आगे नहीं झुके तो ताई और वरुण जीजू ने फैसला किया कि वो चुपचाप सगाई कर लेंगे और उन्होंने सगाई कर भी ली अपने दोस्तों के बीच। हम भी तो थे वहाँ। अरे भाई शुरू करो। चलो परसों पहला हो गया। चलो 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 जीजू कितना शर्माएंगे आप। अरे चलो चलता रहेगा। सबसे पहले अपने को एक ग्रुप सेल्फी चाहिए। चलो ये सेल्फी। अरे भाई क्या शक्ल बना के रखी है भाई, यू जस्ट गॉट एंगेज। अरे खुशी तो थोड़ी दिखा, कम ऑन। अरे नहीं कुछ नहीं, अरे मैं खुश हूँ। वो बस मैं सोच रहा था कि ये सब तो हो गया है पर जब निधि के पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। एंड ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, एंगेजमेंट तो हो गई पर शादी का क्या। एक रास्ता है, तुम दोनों ना भाग के शादी कर लो, कितना मजा आएगा ना गाइस। अरे चांदनी ये सब बातें ना फिल्म और कहानियों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में फ्यूचर का क्या? हमारी पढ़ाई, आने वाले बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस, क्या करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे? और वैसे भी इन सब के अलावा हमारे पेरेंट्स को जब मालूम पड़ेगा तो क्या होगा? और मैं नहीं चाहता कि निधि के पेरेंट्स को जब भी मालूम पड़े तो उन पर कुछ गलत बीते। आई डोंट वॉन्ट दैट, सो इट्स नॉट राइट। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आई बाबा को शर्मिंदा होना पड़े। ओफो आज का दिन तो एंजॉय करो, कितना प्यारा दिन है भाई, जीजू और ताई का एक डांस तो बनता है। माहौल बहुत अच्छा था सर, दोनों बहुत खुश थे, हम में से कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था पर सर लेट हो गया तो हम सब अपने अपने घर निकल गए। निकलने से पहले ताई ने मुझे बोला था कि वो घर पे मिलेंगी तभी बात करेंगी और वो दोनों फिर वरुण जीजू की कार में निकल गए, हम सब भी निकल गए। करण ने मुझे घर ड्रॉप किया और फिर अगले दिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के पीछे श्रवण देशमुख का हाथ था? क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है सर, ताई ने मुझे बताया था। वरुण उन्हें जब श्रवण देशमुख से मिलाने ले गया था तो उसका बर्ताव ताई की तरफ सही नहीं था। सर हम लड़कियों को पता चल जाता है कौन हमें किस नजर से देख रहा है या किस इरादे से छू रहा है। उसने एक दिन ताई को अपने घर भी बुलाया वरुण जीजू के बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए। मैं भी गई थी ताई के साथ। मिस नागपुर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पार्टी का एम्बेसडर बना सकता हूँ। हमारे साथ रहेंगी तो देश क्या वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे आप।
क्या कहते हैं, ज्वाइन करेंगे हमारी पार्टी? नहीं थैंक यू, मैं नागपुर में ही ठीक हूँ। एक दिन मैं इत्तेफाक से घर जल्दी आ गई थी, मुझे लगा घर पे कोई नहीं है, तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा, ये क्या बदतमीजी है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? ये तो वरुण के वजह से झेल रही हूँ मैं तुम्हें, वरना तुमसे बात करना तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखने का भी शौक नहीं है। लीव, मैंने कहा निकलो यहां से। तो श्रवण ने कुछ नहीं किया? किया ना सर, उसके बाद उसने वरुण को परेशान करना शुरू किया। वरुण के बिजनेस में जो भी पैसा लग रहा था वो श्रवण उसे बिना बताए निकाल रहा था सर। वरुण ने मार्केट से बहुत उधार लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट भी भर रहा था, बिजनेस खत्म होने के करीब था, क्योंकि जो पैसा बिजनेस में लगना था वो कभी लगा ही नहीं बिजनेस में सर। ये श्रवण बीच में से पैसा निकाल रहा था सर सारे, और ये बात श्रवण ने खुद मेरे सामने बोली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखेबाज कहने की? मैं धोखेबाज तो बहुत ही अच्छा शब्द है, तू तो आस्तीन का सांप है जिसने मेरे भरोसे को डसा है। तमीज से बात कर। कितना खटिया आदमी ना, अच्छे से जानता हूं मैं निधि को किस नजर से देखता है। हां उसे घर गया था ना, उसको छू के आया तू? तू अपनी बेटी को भी ऐसे छूता है क्या तू? ओए ए छोड़ छोड़। मेरा पार्टनर है इसलिए से थप्पड़ मारा, अगर लिमिट क्रॉस की ना तो कहां गायब करूंगा तुझे पता नहीं चलेगा। और अपनी वो पार्टनरशिप खत्म। क्या तेरे कहने से पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी क्या? हाँ तूने जितना पैसा निकाला ना उसका सब मुझे हिसाब चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, समझा ना? मेरे हिसाब से भूल जा अपने पैसे को और उसमें नागपुर को भी। और इस लड़ाई के एक महीने के अंदर ही दोनों की मौत हो गई। वो हमें कार में मिले ऐसी हालत में, ताई के कपड़े। सर हमें शक है कि श्रवण ने पहले निधि का रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर। निधि की सलवार उसकी एड़ी तक थी सर। अब आप ही बताइए अगर कोई सुसाइड करेगा तो अपने कपड़े इस हालत में क्यों छोड़ेगा? उनके शरीर पे निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुरी तरह से उनको मारा हो। सर आप प्लीज श्रवण देशमुख को छोड़िएगा मत, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। सर श्रवण देशमुख के सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार वो उसी शाम मुंबई चला गया था, फिर रात में अपने घर वापस आया, फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी चला गया और फिर दोपहर में अपने घर आया। सर ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इस बात को लेकर उसे कोई क्वेश्चन ही नहीं हुई है। किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं सर। हम पूछते हैं। जी कहिए। श्रवण जी है। जी रुकिए सर, बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं। क्या चाहिए उन्हें? अरे आप बिना परमिशन के अंदर कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे साहब को बोलो एसआईटी की टीम आई है मुंबई से, मिस नागपुर केस के बारे में बातचीत करनी है। जाइए आप लोग यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे करनी है बात आपसे, कुछ ऑप्शन भी नहीं है, कुछ सवाल पूछने आपसे। वारंट लेकर आया है? नहीं ना, जब वारंट लेकर आओ ना तब यहाँ पे रहना। चलो श्री। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि एसआईटी श्रवण देशमुख से मिलने आई क्योंकि विक्टिम की बहन ने उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं, किंतु श्रवण देशमुख ने कॉपरेट करने से बिल्कुल मना कर दिया और एसआईटी को वापस लौटना पड़ा। इस खबर के ऊपर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहें TV13। मैं कैमरा पर्सन श्याम के साथ मोहित शर्मा। बाबा देख रहे हैं, आप अभी भी चुप रहेंगे, अभी भी यही कहेंगे कि वो दोषी नहीं है? बाबा आप उससे बात बोलिए। देशमुख साहब क्या बोले? बोलने से तो सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। वो आपकी बेटी है ना प्रीति, जो हमारे खिलाफ बोल रही है, उसे दो थप्पड़ कस कर लो और समझाओ उसे,
अगर हम समझाने पर आएंगे तो तकलीफ हो जाएगी कामत जी, ऊपर से आपका बिजनेस डूबेगा सो अलग। गुड नाइट। आहो आहो ऐका तरी माझा, आहो 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 सुनिए। लिखो लिखो यहां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इस केस के बारे में मुझे आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। लिखो। बाबा आपको पता है मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी। प्रीति क्या कर रहे हैं आप? बाबा क्या आप भी श्रवण देशमुख के साथ हैं? उसके साथ मिलके आपने ताई और जीजू को मारने की साजिश की है क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। प्रीति अरे क्या बोल रही है तू? क्या कर रहे हैं आप ये? देखिए एक बेटी खो चुकी हूँ मैं, दूसरी को नहीं खोना चाहती हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। जब तक इसके दिमाग से पर निकल नहीं जाता इसके सूरत नहीं देखूंगा। निकल जा। आप क्या मुझे निकालेंगे बाबा? मैं खुद आप जैसे डरपोक आदमी के साथ नहीं रहना चाहती और अब तो मैं ताई को इंसाफ दिला के रहूंगी। प्रीति प्रीति सुन मेरी बात। प्रीति फिर क्या करें, घर छोड़ दिया मैंने। क्या होगा तुम अभी? एमजी रोड पे हूँ। ठीक है तुम वहीं वेट करो, मैं आता हूँ। चलो। कहाँ? मेरे घर। और कहाँ? शादी से पहले घर में तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? सॉल्यूशन तो है मेरे पास, अलग अलग कमरे में रह लेंगे ना। हुँ? पर ज्यादा दिन नहीं, और जब तक शादी नहीं होती तब तक आओ। फिलहाल मेरी अपनी शादी से ज्यादा ताई को इंसाफ दिलाना जरूरी है। हाय। खुश रहे। अरे बाबा कैसे हैं? क्या भाई? एक मिनट। तेरे बापा तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर तू हिला इकड़े कशाला घेऊन आला? आई इस घर की होने वाली बहू है और तू भूल गई क्या? तूने अपने हाथों से कंगन दिए थे इसे सगाई में। होने वाली है, हुई नहीं है। आई आज नहीं तो कभी ना कभी तो शादी होनी है, फिर तो यही आएगी ना। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, ये यहाँ नहीं रह सकती। तो सुन मेरी बात, तू निकल इस घर से और बाबा को साथ में लेके जाना, क्योंकि प्रीति तो इसी घर में रहेगी, समझी? तू इसके लिए हम लोग को हमारे घर से बाहर निकालेगा? आपका घर? आई तू भूल रही है शायद, ये घर मेरा है। तूने और बाबा ने अपने हाथों से मेरे नाम किया था, अगर याद नहीं आ रहा तो पेपर लेके आता हूँ। करण? हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आई तुम आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। प्रीति निकल तो पड़ी थी अपनी बहन और उसके मंगेतर को इंसाफ दिलाने, लेकिन ये सफर बहुत मुश्किल था। इस समय सिर्फ श्रवण ही नहीं उसके पिता भी दुश्मन नजर आ रहे थे और गजेंद्र अपनी राजनीति के कारण साथ नहीं दे पा रहा था। इस बीच में अगर कोई प्रीति के साथ था तो वो करण था। करण के सपोर्ट और खुद की दृढ़ता के कारण प्रीति ने इस लड़ाई को जारी रखा। प्रीति बार बार SIT को फोन कर करके उनसे केस के प्रोग्रेस के बारे में पूछ रही थी। उसे उम्मीद थी कि SIT कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और श्रवण को दोषी करार देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन SIT जब कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रही थी कि श्रवण उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करे, तो SIT को पहला क्लू मिला अपना। ये देखो, ये वरुण की नाक लाल है, निधि की नहीं थी। सर हो सकता है ये पुरानी चोट हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सिर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने नींद की गोलियां खाई थी, लेकिन मुझे लगता है उनको गोलियां खिलाई गई, फिर इसी हालत में निधि के साथ रेप किया गया हो। जब बेहोशी की हालत में दोनों नहीं मरे तो उनको कार के पिछली सीट पे रखा था, कार को दीवार से लगाया गया
उसका हीटर ऑन किया, गाड़ी लॉक कर दी ताकि ऑक्सीजन खत्म हो जाए और घुटन से दोनों मर जाए। शेर के मुझे सुसाइड नहीं, मर्डर लगता है। लेकिन जब दोनों नहीं मरे तो एक कातिल पैनिक हो गया और दिन निकलने वाला था, सड़क पे लोग भी आने वाले थे, तो उसने कुर्सी का दरवाजा खोला होगा, उसको कुशन दिखा, वो कुशन उसने लिया और निधि का मुंह दबोच दिया। अब वो वरुण को भी मारना चाहता था। लेकिन सर गाड़ी तो दीवार से एकदम चिपक के पार की गई है, तो वरुण की साइड का दरवाजा खोलना तो बहुत मुश्किल है। शिरके तूने फोटो में देखा, वरुण की बॉडी दरवाजे की उस तरफ झुकी थी, तो वरुण को मारने के लिए वो निधि के ऊपर से गया, उसने वरुण का मुंह भी ऐसा दबोचा लेकिन वो इतना फोर्स नहीं दे पाया, तो या तो उसने कुशन नीचे गिरा दिया होगा या कुशन नीचे गिर गया, बाद में उसका नाक उसने दबा दिया क्योंकि उसके नाक बहुत लाल थे और उसकी मौत भी नाक दबाने की वजह से हुई है। क्या लगता है तुम्हें? सर पॉसिबल तो है। सर जैसे अभी आपने वरुण का नाक दबाने के लिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, सर हो सकता है कि कातिल ने भी ऐसा कुछ सपोर्ट लिया हो अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। हो सकता है, इसका मतलब कांच पे कातिल के फिंगरप्रिंट होनी चाहिए जो पहले जांच में मिस हो गए। चिरके हैदराबाद से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला और कार की फिर से जांच करवा। ठीक है सर। ये श्रवण देशमुख का क्या हुआ? जल्दी बोलेगा सर ये। तुम्हें पता है नागपुर में अपनी पार्टी की छवि खराब होती जा रही है। मैं सब जानता हूँ कदम जी, ये सब मीडिया वालों की साजिश है। बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये मिस नागपुर का केस अपने हाथ से छूटता जा रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगा कदम जी। जल्दी करना भाई, नहीं तो तुम्हारे पॉलिटिकल करियर का शवासन हो जाएगा। जी अपना रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लिया तो तुम भी दिखाओ। यहां क्यों बुलाया? देखो ये SIT मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई है, उसे हटा दो और ये इन्वेस्टिगेशन बंद करा दो, सबके लिए अच्छा होगा। और मेरी ताई का क्या, जो तुमने उनके और वरुण जीजू के साथ किया? वो तुम्हारी बहन ने अपने यार के साथ सुसाइड किया है और इसके लिए तुम्हारा बाप जिम्मेदार है, मैं नहीं। पता नहीं क्यों नफरत करता है तुम सबसे इतनी, बिना वजह इन लफड़ों की वजह से मेरा पॉलिटिकल नाम खराब हो रहा है, हाई कमांड भी नाराज है मुझसे। हाई कमांड? तुम जब जेल जाओगे ना तब दिखाती हूँ हाई कमांड क्या करेगा। बस करो यार, मतलब तुम नहीं मानोगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बात के लिए मान जाऊंगी? लगता है बहुत जल्द तुम अपने ताई से मिलने वाली हो, समझाओ इसे वरना। प्रीति तुम टेंशन मत लो, दिख रहा है वो कितना डरा हुआ है, जिसमें तुम्हारी जीत है सब ठीक होगा। हाँ दादा, कुछ पता चला क्या जिससे हमारी मदद हो सके? हाँ मिला ना कुछ ऐसा बेटा जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बंद करो इस इन्वेस्टिगेशन को और SIT को वापस जाने के लिए। बेटा जो होना था सो हो चुका है, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको अपना गुरु माना है और आप ही ने तो SIT का ऑप्शन सजेस्ट किया था। हाँ हाँ मैंने ही ऑप्शन दिया था, लेकिन अब मैं ही रोकने के लिए कह रहा हूँ ना बेटा। मुझे गुरु मानती हो ना तो मेरी बात मानो, जब तक ताई को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बेटा तुम बात को नहीं समझ रही हो, मुझे डर है कहीं इसका अंत तुम्हारे लिए बहुत बुरा ना हो।
तब देखा इधर वो लड़के गिरी थी, अभी पुलिस आएंगे। चलो चलो पीछे पीछे हटो, काम नहीं है। चलो आगे चलो। चेक करो। सर ये तो प्रीति का मत है, देख के लगता है कल रात को मर्डर हुआ है। प्रीति, प्रीति मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे प्रीति? दादा तुमसे समाधान, दादा ने एकदम सो श्रवण देशमुख की वजह से हमने हमारी दोनों बच्चियां खो दी। आपको यकीन है ये काम श्रवण देशमुख का है? हाँ साहब, ये काम श्रवण देशमुख का ही हो सकता है, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं प्रीति को रोक लूं। वो आपकी बेटी है ना प्रीति, जो हमारे खिलाफ बोल रही है, समझाओ उसे, अगर हम समझाने पर आएंगे तो तकलीफ हो जाएगी कामत जी। उसके बाद मेरा और प्रीति का झगड़ा हुआ, प्रीति घर छोड़ के भाग गई और करण के साथ रहने लगी। और आपने उसे जाने दिया? प्रीति नहीं, प्रीति 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 क्या लगता है तुम्हें? मुझे भी लगता है सर, प्रीति का खून श्रवण ने किया है, उसने कल शाम को मेरे सामने उसको धमकी दी थी। लगता है बहुत जल्द तुम अपने ताई से मिलने वाली हो। उसके बाद वो बहुत अपसेट थी। वो सुनसान जगह क्या करने गई होगी? मुझे नहीं पता सर, मैं जब ऑफिस से घर लौटा तो घर पे नहीं थी, आई और बाबा ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। मुझे लगा अपनी आई से मिलने गई होगी। ठीक है जाओ तुम। सिरके इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो और क्राइम सीन का डम डाटा निकालो, वहां जितने भी सीसीटीवी है सबका फुटेज कलेक्ट करो। आखिर प्रीति को किसने मारा? क्या अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की चाहत ही प्रीति की मौत का कारण बनी, या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलवाया और उन्हें कार की खिड़की से एक पार्शियल फिंगरप्रिंट भी मिला। जैसा पीआई ने सोचा था ये एक ही उंगली का फिंगरप्रिंट था, लेकिन ये किसी नतीजे तक पहुंचाने लायक नहीं था। सोचने की बात थी कि ये किसकी उंगली का निशान था। इसी बीच सारी उंगलियां श्रवण की तरफ उठ रही थीं। लग रहा था कि तीनों मौतों का वही जिम्मेदार था। कोर्ट से ऑर्डर आया और श्रवण पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया। पूरा देश सांसें थामकर इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि श्रवण क्या कहेगा। पुलिस को चैलेंज नहीं देने का, समझा ना? अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया ना तो किसको भी बुला सकते हैं हम यहाँ। और सबसे मेन बात, कानून से कोई नहीं बचेगा। चल रख फोन रख। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ना ही निधि के साथ, ना ही प्रीति के साथ, ना ही किसी और के साथ। तो प्रीति ने कंप्लेंट किया, ऐसे मजाक में की? कंप्लेंट तो मैं भी कर सकता हूँ किसी के खिलाफ, पर सबूत कहाँ है? अब बिना सबूत कंप्लेंट के कोई मायने नहीं होते। और वो वरुण, वरुण के साथ जो झगड़ा हुआ था वो भी झूठ है? हाँ वो सच है, हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हुए थे और झगड़े भी हुए थे। और प्रेम का मत धमकी दी थी ना तुमने? प्रीति के झूठे इल्जामों की वजह से हाईकमान मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो क्या करता? मैंने प्रेम से कहा कि अपनी बेटी को संभाले। निधि के साथ जो बर्ताव कर रहे थे उसका क्या? सर अब खूबसूरत लड़की से कौन बात करना नहीं चाहेगा, अब वरुण के थ्रू से मेरी पहचान हुई थी तो मजाक मस्ती हो जाती, पर हाँ बदतमीजी नहीं की मैंने उसके साथ जैसे उस गजेंद्र चंद्रा करने की। मतलब बुरी नजर थी उसकी निधि पर, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाता हूं, आप खुद ही सुन लीजिए उसने क्या कहा था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। अरे मिस नागपुर मतलब अपनी हुई ना, देखना मिसेज नागपुर भी हम ही बनाएंगे। किस तरह हुआ? जल्दी जल्दी कैमरा पेन करो, कैमरा पेन करो। सर किस तरह के सवाल पूछे आपसे पुलिस ने? नो कमेंट्स। सर कुछ तो रिएक्शन, कुछ तो बातचीत हुई होगी, जैसा कि देखा आपने देशमुख जी 4 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आए हैं और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर यही लगता है कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने बाहर आते ही हमें वी का साइन दिखाया। हम इस केस पर लगातार बने हुए हैं, आप देखते रहिए TV 13।
सर ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया, हमारे पास भी उसके खिलाफ कुछ नहीं है। ये एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है शेर के, लेकिन इसने हमें एक नया एंगल दिया है। क्या वाकई में गजेंद्र चंद्राकर इस केस में इन्वॉल्व तो नहीं, या हमें कंफ्यूज करने के लिए ये श्रवण ने उसका नाम लिया है? सर सर प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई। मौत का टाइम रात से 12 से 2 बजे के बीच का है। सर उसके प्राइवेट पार्ट में ड्राइड सीमेन के ट्रेसेस मिले, लेकिन पूरे बॉडी पर इंजरी या कोई मार्क्स नहीं मिले जो रेप या जबरदस्ती की तरफ इशारा करे। करण के साथ रहती थी ना? सर करण को बोला डीएनए सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। सर प्रीति और मेरे बीच सर श्रवण की धमकी के बाद प्रीति बहुत परेशान थी और मैं उसका साथ दे रहा था, उसकी मदद कर रहा था। सर पता नहीं हम दोनों कैसे एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर तुमने उसकी स्थिति का फायदा उठाया? आई सपत सर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, हम दोनों के बीच जो भी हुआ है एक दूसरे की मर्जी से हुआ है। सर हम दोनों तो अगले हफ्ते शादी भी करने वाले थे। ये देखिए सर, सर मैंने कार्ड तक बना दिए थे। ये देखिए सर, मैं अपने कुछ क्लोज दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने भी वाला था। ये बहुत बहुत सिंपल शादी करना चाहते थे सर। फिर आगे क्या हुआ? आगे सर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ काम से घर से बाहर निकला था, और जब मैं वापस आया तो प्रीति घर पर नहीं थी। बहुत अच्छी कहानी सुनाया तूने। कोइंसिडेंस, मराठी में इसको योगायोग कहते हैं। मतलब योगायोग नहीं मालूम? हमारे डम डाटा के हिसाब से तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले जहाँ प्रीति का मर्डर हुआ ना, उसके आसपास का लोकेशन दिखा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? नीचे बैठो, इतना कहना चाहते बैठो, 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 बैठो। अब सर आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने प्रीति को मारा? सर मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ, मैं अपनी बाइक पे निकला था बस राइड पे सर, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने की। अब सर रास्ते में फोन की बैटरी लो हो गई होगी, फोन बंद हो गया होगा, नहीं ध्यान दिया मैंने। आई शपथ सर, सर मुझे नहीं पता था कि प्रीति वहीं पे है जहाँ पे मैं हूँ। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, जो भी मैंने कहा है सब सच कहा है सर। चलो यूं जा, तुम्हारे फ्यूचर का प्लानिंग हम करेंगे। सर आप मेरी बात सुनिए सर, श्रवण फंसा रहा है मुझे सर। सर आप मेरी बात सुनिए सर, ये झूठ है सर सब। शिरके वरुण के कार पे हमें जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो श्रवण से मैच हुए? सर उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, बट जल्दी आ जाएगी। इसके भी फिंगरप्रिंट मैच करवा के देखो। ठीक है सर। और वरुण और निधि के क्राइम स्पॉट का डम डाटा चेक करो, देखो कुछ नई कहानी सामने आती है क्या। ओके सर। तुम जो बोल रहे थे जिस दिन प्रीति का मर्डर हुआ वहाँ तुम नहीं थे, कहीं और बाहर घूम रहे थे बाइक से, वो सच हो सकता है। सर मुझे छोड़ रहे हैं सर। सर आप लोगों को पता क्या होगा पक्का कि ये जो मैंने कहा सब सच है? हाँ लेकिन एक बात जो हमने पता की, वरुण का मर्डर, वरुण का तो उसके कार के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मिले, तुम उसको मिटाना भूल गए होगे। हाँ निकल रहे होगे ना गाड़ी गड़बड़ में? नहीं, क्योंकि तुम्हारी मोबाइल लोकेशन उसी जगह की उस रात की दिखा रही है, मतलब जिस वक्त वरुण का मर्डर हुआ वहाँ की दिखा रही है। कहानी मत बना, सच बता। चिरके कितने डिप्स मारे आज? 50। चलो फिर शुरू हो जाओ। नहीं 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 सर, नहीं मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, मेरा कुछ प्लान नहीं था इसमें सर। सर ये सब गजेंद्र का करा धरा है, उसको सोना था निधि के साथ किसी भी कीमत पे। सर उसने मुझे लालच दिया, उसने कहा मुझे अपनी पार्टी में अच्छी पोस्ट दिलाएगा। मैं तो बस प्रीति के साथ शादी करना चाहता था जल्द से जल्द, ऊपर से निधि परेशान थी, वो अंकल वरुण को लेके मान नहीं रहे थे, तो मैंने गजेंद्र को हाँ बोल दिया। लेकिन सर मास्टरमाइंड वही है सर, आप उसको बुलाइए मेरे सामने, मैं कहूँगा उसके सामने सब कुछ, उसने करा सर ये सर। मुझे सच बता, सच बोल, नाटक नहीं है, सच बोल। वरुण और निधि जब पार्टी से निकले तो मैंने प्रीति को पहले घर छोड़ा, उसके बाद मैंने वरुण को कॉल किया और कहा कि गजेंद्र के घर पे आकर उससे मिलने के लिए, उसके पास प्लान है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम दोस्त थे और प्रीति भी गजेंद्र की पार्टी से थी, तो उन दोनों को शक नहीं हुआ। वो जब घर पहुंचे तो उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया और
मुंह खोल गोलियां खाने के वरुण को मार दूंगा। अगर ये गोलियां नहीं खाई ना तो गजेंद्र बगल में ना निधि का रेप कर देगा। खोल। सर वो गजेंद्र ने निधि का रेप किया, उसके बाद मुझे कहा कि मैं उन दोनों को गाड़ी में श्रवण के घर के पास छोड़ दूं ताकि शक श्रवण पे जाए। तो मैं ड्राइव करके ले गया सर गाड़ी और श्रवण के घर के पास लगाई। तो मैंने देखा कि वो दोनों जिंदा थे, सांस ले रहे थे। तो मैंने हीटर फुल कर दिया ताकि घुटन से मर जाए और लॉक करके बाहर खड़ा हो गया। मैं जब दोबारा देखने आया गाड़ी में तो वो लोग जिंदा थे, सांस ले रहे थे। मुझे लगा सुबह हो जाएगी तो कोई आके देखने ले। तो मैंने वो गाड़ी में कुशन रखा था, उससे निधि का मुंह दबाया और वरुण के नाक दबा के उसे सांस घोट दी। उसके बाद मैंने गाड़ी में से सारे फिंगरप्रिंट मिटाए थे और शायद एक मिटाना भूल गया। अच्छा हो ना फिंगरप्रिंट मिटाना भूल गया। प्रीति को क्यों मारा? जब हम श्रवण से मिल के आए तो मुझे गजेंद्र का कॉल आया। उसने कहा कि मैं प्रीति को कहूँ कि वो इंक्वायरी बंद कर दे। तो मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? तुमने इससे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ तो तुम्हारे लिए वो सब काफी नहीं है? तुम्हारे लिए मैंने वरुण और निधि को ठिकाने लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीति तो बस मुझे गजेंद्र के कॉल के बारे में बताने आती थी। उसने सब सुन लिया, वो पुलिस में आने की बात करने लगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये सब जो किया गया है ना ये सब गजेंद्र ने किया। तो हम एक काम करते हैं, हम गजेंद्र को बुलाते हैं, उससे कन्फ्रंट करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, उसके बाद पुलिस को बता देंगे। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? फिर वो मान गई। फिर तो उसको सुनसान जगह पे लेके गए। गजेंद्र को यहाँ क्यों बुलाया है? ये कितनी सुनसान जगह है, हम कहीं और भी तो जा सकते थे। तुमने यही जगह क्यों चूज की? I'm sorry, please. तेरा तो फ्यूचर सॉल्व हो गया बेटा। तीन तीन मर्डर के जुर्म में तो अभी अंदर रहेगा। ऑल द बेस्ट। सर मेरी बात सुनिए। सर आप बोलिए ना सर। सर मैं अपने फ्यूचर के बारे में कर रहा था सर, मैंने गलती। करण ने प्रीति से सच्चे प्यार की कस्में खाई थी, लेकिन प्रीति और अपने करियर में से करण ने अपने करियर को चुना। प्रीति अपनी बहन के कातिल तक पहुँचना चाहती थी और वो उस तक पहुँच भी गई थी, ठीक अपने कत्ल से पहले। श्रवण जो शुरू से ही दोषी नजर आ रहा था वो निर्दोष निकला, कम से कम इस केस में। तो गजेंद्र ने श्रवण की बातों को महज कहानी बताया और पुलिस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। गजेंद्र आज आजाद घूम रहा है, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी है। वो आज भी गजेंद्र के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। हो सकता है शायद सच में किसी दिन प्रीति की आत्मा को पूरी तरह से इंसाफ मिल जाए। तो चलिए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।